नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों मैं नारायण, आप सभी का हमारे चैनल नारायण फ्लूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई धुन लेके आया हूं, जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जन वासुदेवाय। इस धुन को अपनी बांसुरी पर किस प्रकार बजाएं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इसके नोटेशन बताऊंगा और इसको बजाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास जो भी स्केल की फ्लूट है, उस सभी स्केल के फ्लूट में ये धुन बड़ी आसानी से बज जाएगी। मेरे पास ई बेस की स्केल की फ्लूट है, तो मैं ई बेस स्केल की फ्लूट में इस धुन को बजा के आपको बताऊंगा। तो आपके पास जो भी स्केल की फ्लूट है वो फ्लूट लेके आएँ और साथ में कॉपी पेन भी लेके आएँ, ताकि जो भी नोटेशन मैं आपको बताऊं आप वो लिख लीजिए और उसके बाद में जब भी आप ये बांसुरी पर धुन बजाना स्टार्ट करें तब वो नोटेशन देखकर आप ये धुन बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये धुन अपनी बांसुरी पर बजा के सुना देता हूँ, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि ये धुन किस प्रकार बजेगी। उसके बाद में आपको वन बाय वन नोटेशन बताऊंगा और उस इस धुन को बजाने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं आपको ये धुन बजा के सुना देता हूँ। तो दोस्तों ये धुन इस प्रकार से, चलिए अब इस धुन की पहली लाइन बजाना सीखते हैं, जो किस प्रकार है, पा सा 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 सा। इसमें आपको क्या करना है, पा से लेकर सा तक मीड में जाना है, उसके बाद में चार बार सा बजाना है, जो कि आपको टैबिंग में बजाना है। किस प्रकार, पा पा सा 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 सा, इस प्रकार बजाना है, पा सा मीड में, उसके बाद में चार सा बजाना है, जो आपको टैबिंग में बजाना है, सा 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 सा। किस प्रकार होगा ये, पा सा 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 सा। मैं अभी इसको स्लो में भी आपको बजा के सुना देता हूँ, ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो। ये हमारी पहली लाइन थी। अब चलिए दूसरी लाइन, सा ग रे ग रे ग रे सा नी धा, ये हमारी दूसरी लाइन है, सा ग रे ग रे सा नी धा। ये किस प्रकार बजानी है, अभी मैं आपको बजा के सुना दे रहा हूँ। ये एकदम शुद्ध नोटेशन है, इसमें सिंपल नोट्स लगे हैं और कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपल नोट्स लगाना है। स्लो करके भी बजा के सुना देता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल नोट्स बजाने और कुछ नहीं करना। अब चलिए तीसरी लाइन, नी रे रे गा मा, तीसरी लाइन इस प्रकार है, ये हमारी तीसरी लाइन है, नी रे रे गा मा। इसको किस प्रकार बजाना है, इसको बजाने के लिए आपको नी, उसके बाद में रे, उसके बाद में एक टैप करे, उसके बाद में गा, उसके बाद में मा, ये आपको बजाना है। अभी मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उसके बाद में स्लो बजा के सुना देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नी रे रे गा मा, आप मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान से देखिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नी रे रे गा मा, अभी चलिए मैं आपको स्लो में बजा के सुना देता हूँ। ये हमारी तीसरी लाइन थी। अभी चलिए चौथी लाइन, गा रे नी रे सा। इसमें भी केवल नोटेशन है, नोट्स है और कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नोट्स बजाना है, जो कि इस प्रकार है। ग
गे नी रे सा। अभी मैं आपको स्लो में बजा के सुना देता हूँ और उंगलियों की तरफ आप मेरी ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरी उंगलियाँ किस प्रकार चल रही है और आप भी उसी प्रकार चलाएं ताकि आपकी ये धुन बड़ी आसानी से निकल जाए। गारे गारे नीरे सा। और ये हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई जिससे कि हमारी पूरी धुन कंप्लीट हो गई। अभी आपको इस धुन को पूरी रिपीटेशन में बजाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार बजाओगे तो आपकी ये धुन पूरी इस प्रकार निकलेगी। इसको आप कितनी भी बार बजा सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी धुन कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं आपको ये धुन सीखने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये धुन सीखने में कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, जय श्री राधे।